अंबाला कैंट एक नंबर यूनिट संबंधित सब डिवीजन में एचएससी बी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी के आह्वान पर वर्क सस्पेंड रोष प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए प्रधान तिलक सिंह ने बताया कि एप्लीकेशन 30/4/2023 को एसडीओ इंडस्ट्रियल एरिया द्वारा एफआईआर करवाने के लिए दी गई थी, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ यूनियन के प्रतिनिधियों की बात इस मुद्दे पर लगातार हो रही है और यह धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ की गई गलत एफआईआर रद्द नहीं की जाती या फिर पुलिस विभाग द्वारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके एसडीओ इंडस्ट्रियल एरिया द्वारा पुलिस में दी गई एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए दोषी कंज्यूमर पर भी एफआईआर करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस विभाग द्वारा कर्मचारी पर पर्चा या गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया तो यूनियन को संघर्ष को तेज करना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में तब्दील कर दिया जाएगा और इस आंदोलन को राज्य स्तर आंदोलन बनाने में भी यूनिट अंबाला कैंट सक्षम है। अखिल सिंह सब प्रधान नंबर वन एचएससी वर्कर यूनियन हरियाणा कर्मचारी महासंघ, ये जो धरना चल रहा है हमारा, ये पुलिस की एक धरना कार्रवाई के खिलाफ चल रहा है जो कि हमारे कर्मचारी के खिलाफ जो उसके एफ आई आर दर्ज की जाती है उसके खिलाफ हम धरने बैठने वाले। हमारी कोई मर्जी नहीं है कि जनता को कठिनाई झेलनी पड़े, हमारे पूरा सहयोग जनता के साथ रहता है, पर जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है तो हमारे पास सिर्फ धरने के अलावा और कोई हमारे पास जरिया रहता है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। हमारे पास सिर्फ यही है कि हम धरना देंगे इन कर्मचारी जो पुलिस कर्मचारी हैं इनके कान खोलने का। यूनिट में कैशियर हमारे इंडस्ट्री एरिया में खेड़ी गांव में एक हैफेड गोदाम है जो कि एक निजी कंज्यूमर के प्रॉपर्टी है। वहां पर एक हादसा हो जाता है ट्रक ड्राइवर के साथ 29/4/2023। वहां पर उस दिन की वहां की रिपोर्ट के अनुसार वहां से 45 गाड़ियां निकल चुकी थी जहां पर ये हादसा हुआ है। वहां पर हमारी 11 KV की लाइन है जिसके नीचे ये हादसा हुआ है और वो उस कंज्यूमर ने हमें ना तो पहले इंटीमेट किया ना बाद में इंटीमेट किया कि हमारी लाइन नीचे, वो उसकी वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने अंदर काम शुरू कर किया था, चार दीवारी हुई हुई है, तो उसके बावजूद उन्होंने हमें ये इंटीमेशन दी कि आपकी लाइन नीचे होगी 11 KV, इसको दुरुस्त करो। ना उसने कोई मौखिक में, ना कोई उसने लिखित में, ना कोई ऑनलाइन कंप्लेंट है। जब ये हादसा हो जाता है तो पुलिस प्रशासन उस ट्रक ड्राइवर के मालिक के अनुसार एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं जो कि बिजली बोर्ड के खिलाफ, लेकिन ये एक तरफा हो गई। उस जो गोदाम का मालिक है उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके अंडर है और उसके अंदर ही आती है ये। और 11 KV जो कि हमारी लाइन नीचे थी वो उसकी वजह थी कि वहाँ JVC से काम कर रहे थे, लाइन स्टेक को तोड़ दी गई, लाइन नीचे से मिट्टी भर के वो ऊंची कर दे जिससे हमारी लाइन नीचे हो। हमें कोई इंटीमेशन नहीं थी, हमारे अधिकारियों के पास कोई इंटीमेशन नहीं थी जिस कारण से ये हादसा हुआ। तो हम पुलिस प्रशासन से SP DSP से यही मांग करते हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई ना करके दोनों तरफ की सुनवाई होए और कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जाए। धन्यवाद। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।